आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप इधर उपस्थित हो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसे आप सबको पता है कि पिछले कई दिनों से काफी न्यूज चलती आ रही है, पर मैंने हमेशा एक ही चीज मेंटेन की है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। और मैंने जब मेरे पिताजी भी एनसीपी में गए तब भी मैंने आप सब मीडिया वाले दोस्तों को भी कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। उसके बावजूद मुझ पे ये एक स्टेप मेरे अगेंस्ट लिया गया है। पिछले कई दिनों मुझे डेंगू था, मैं बीमार था, मुझे बुखार भी था, फिर भी उस हालत में मैं कांग्रेस की मीटिंग अटेंड किया। मैंने सीएलपी मीटिंग जो है वो विधानसभा में हुई थी, विधान भवन में हुई थी। चंद्रकांत हांडोरी जी का जब नॉमिनेशन होने जा रहा था उसके पहले मेरे खुद की साइन भी है उस एफिडेविट में उनके नॉमिनेशन में। और शाम को ये मीटिंग हुई थी, मुझे याद है सारे सीनियर लीडर्स ने मुझे देखा, मुझे कहा कि आप आए हो, बहुत अच्छा लगा है हमें और आपको कांग्रेस पार्टी में ही रहना। मैंने बोला देखिए ये कुछ अच्छी बात नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और मेरा ये काम है, मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि मैं ये मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। और मुझे सीनियर लीडर्स का भी फोन आया, दिल्ली से फोन आया, और दिल्ली से फोन आया, मुझे कहा गया कि नहीं आपने जो स्टेप लिया है कांग्रेस पार्टी में रहने का वो बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये सब होने के बाद आप सबको पता है कि कल एक न्यूज आई जिसमें मुझे मुंबई प्रदेश युवक कांग्रेस के पद से हटाया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये जो एक पद मुझे मिला है मुझे कोई नॉमिनेशन द्वारा नहीं मिला है, ना कि कोई मैंने कोई लीडर के लिए, जैसे मैंने ट्वीट भी किया कि मैंने कोई यस मैन नहीं बना हुआ या मैंने कोई जी हुजूर नहीं कही है कोई लीडर के लिए। मैंने इलेक्शन लड़ा है और मुझे तकरीबन 90,000 वोट्स मिले हैं, 20,000 के तकरीबन मार्जिन से मैं जीता हूं। तब भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मुंबई कांग्रेस के अनेक नेता मेरे एक साथ होके मुझे हराने की उन्होंने कोशिश की, बट सबको दिखा कि जनता किसके साथ है। मुंबई युवक कांग्रेस के इतिहास में 88,517 वोट्स जो मुझे मिले थे वो किसी को कभी नहीं मिले, और ये जनता का प्यार है। मुझे मौका मिला, मैं जनता ने मुझे मौका दिया, मुंबई युवक कांग्रेस के साथियों ने मुझे मौका दिया और तब जाके मैं अध्यक्ष बना। पर अध्यक्ष बनने में भी बहुत समय लगा, मुझे नंबर 1 वोट्स मिले थे पूरे मुंबई में, फिर भी मेरा जो प्रेसिडेंट मुझे प्रेसिडेंट का जो अपॉइंटमेंट है वो मुझे तकरीबन 8 से 10 महीना मुझे रुकना पड़ा। पूरे देश में जब भी चुनाव होते हैं तो इलेक्शन प्रोसेस जब होते हैं उसके बाद इंटरव्यू हो जाता है, मगर नंबर 1 ही जो नंबर 1 बनता है उसकी ही प्रथा है कि वो प्रेसिडेंट बन जाता है। मगर 2 ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं पूरे देश में, मुझे ये सब करना नहीं था। मैंने हमेशा कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा, पर अगर कांग्रेस पार्टी को हमारी वैल्यू नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमेशा कांग्रेस पार्टी बात करती है माइनॉरिटीज की, बात करती है कि नहीं हम माइनॉरिटीज के साथ है, मगर जो माइनॉरिटीज के साथ कांग्रेस पार्टी में हो रहा है उसके बारे में मैं थोड़ी स्पष्टता से आपको आज कहना चाहूंगा, जो मुझ पे बीती है, मेरे दोस्तों पे बीती है। अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका युवक कांग्रेस में भी एक मेरा मित्र है मोहम्मद नलपाड़, उसको भी सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे, मगर पूरे देश में 2 ही लोगों के रिजल्ट्स तकरीबन 1 साल के लिए रोके गए थे, एक था मोहम्मद नलपड़ और एक था जीशान सिद्दीकी। आप सबको पता है कि मोहम्मद नलपड़ और जीशान सिद्दीकी में क्या चीज कॉमन है, हम दोनों मुस्लिम हैं। हमारे इलेक्शंस के बाद भी बहुत लोगों के चुनाव हो गए और उनका डिक्लेयर हो गया, मगर मेरा और मोहम्मद का डिक्लेयर नहीं हुआ। तो हमने ये भी पूछा कि क्या यही रीजन है कि हम मुस्लिम हैं, हमारे जो पोस्ट है वो हमें नहीं मिल रही है कि हम मुस्लिम हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि हम मुस्लिमों के साथ है। आप डेटा निकाल के देख सकते हो कि मुंबई कांग्रेस का आज तक कोई मुस्लिम पीसीसी सीनियर कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना है क्या? आप बात करते हो मुसलमानों की कि मुसलमानों की रक्षा करते हैं, जितना कम्युनलिज्म कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी है जितना कम्युनलिज्म इंडियन यूथ कांग्रेस में है वो कहीं नहीं है। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था मुझे पता है मुझ पे क्या बीती, मुझे हमारे अध्यक्ष श्रीनिवास जी का फोन आता था, वो मुझे कहते थे कि अरे जीशान मुंबई में 6 डिस्ट्रिक्ट है,
ज्यादा से ज्यादा दो मुसलमान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना, उससे ज्यादा मुसलमान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मत बनाना। मैं बोला सर आप ये क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं मैं तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तूने बना दिया तो एज अ मुस्लिम तू नहीं बन पाएगा। मैं बोला ऐसा क्यों? हम तो नहीं देखते कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, हम तो सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे फेस टाइम ऑडियो पे उन्होंने फोन किया था। तो मैंने उन्होंने कहा कि नहीं मैं देखो तू बन जाए इसीलिए मैं देखो बोल रहा हूँ एक अच्छे दोस्त के लिए, ज्यादा मुस्लिम को मत इलेक्ट कराना। तो मैं अचंभे में आ गया, मैंने मेरी टीम से बात किया। मैं बोला सर अगर कोई कोई डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के अगेंस्ट लड़ रहा है तो जीतेगा तो एक मुस्लिम ही, हम ये नहीं देख रहे कि उसका सरनेम क्या है। मगर आप अगर बात करते हो मुस्लिमों की तो आपको परहेज भी मुस्लिम से कैसे है? आज तक का अगर आप मुंबई कांग्रेस की लिस्ट निकाल के दे सकते हो तो मुंबई कांग्रेस में कौन सा मुस्लिम पीसीसी का अध्यक्ष बना है? जब भी बात होती है आए दिन हमारे पीसीसी अध्यक्ष जब चेंज होते थे, पहले मिलिंद द्योरा जी थे, फिर उसके पहले निरुपम जी थे, जब चेंज होती है तो बातें चलती है कि अभी कौन रेस में है। तो किसी ने कहा कि नहीं बाबा सिद्दीकी जी रेस में है, तो किसी ने कहा नहीं और एक वरिष्ठ नेता है हमारे नसीम खान जी, असलम भाई है, अमीन पटेल जी है। तो मुंबई में तो फिलहाल चार विधायक है आप सबको पता है कांग्रेस के, उसमें से तीन मुस्लिम है, एक हमारी वर्षा ताई है। मगर उसमें जब भी बात होती है कि मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बन सकता है तो पहली बात ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में हो जाती है कि नहीं नसीम भाई, अमीन भाई, असलम भाई, बाबा भाई ये तो नहीं बन सकते क्योंकि ये मुसलमान है। तो मुस्लिम होना कांग्रेस में क्या एक पाप है कि आज तक मुंबई कांग्रेस में कोई मुस्लिम अध्यक्ष नहीं बना है? मैं इलेक्शन जीतने के बाद मुझे 10 महीने सताया गया, उस 8 महीने या 10 महीने जो भी है उसमें क्या क्या ब्लैकमेलिंग की गई दिल्ली की तरफ से, क्या क्या एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की कि ये होगा तो आपको अध्यक्ष बनाएंगे, ये चीज हमारे दोस्तों के साथ भी हुई है और 2 जगह उन्होंने रोक के रखा है, दोनों जगह मुस्लिम है। तो आपको अगर मुस्लिम से इतना प्रॉब्लम है तो ये ढोंग क्यों रचते हो कि हम मुस्लिमों को की सुरक्षा कर सकते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर आप बात करेंगे कि आप बोलेंगे कि नहीं आपके पिताजी एनसीपी गए इसीलिए आप पे ये एक्शन लिया गया, पहले तो मैंने 12 साल इंडियन यूथ कांग्रेस को दिए हैं, 3 चुनाव लड़ा हूं उसके बावजूद और हर टाइम इलेक्टेड पोजीशन जीता हूं, मैं कभी नॉमिनेट नहीं हुआ, उसके बावजूद मुझे कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं मिलती है, कोई ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन मेरी नहीं होती है। एक तरफ पे सीनियर लीडर्स मुझे फोन करते हैं, बोलते हैं बेटा आपके पिताजी भी अगर एनसीपी गए हैं तो आप टेंशन मत लो, हम आपके गॉडफादर हैं, आपको कांग्रेस में लगा, जी सर मैं कांग्रेस में हूं। उसके बाद ये ढोंग क्या है और ये दोगलापन क्या है कि आप जाके फिर ये कदम उठाते हो, मेरे से आप बात भी नहीं करते हो? अगर आपके दिल में कोई संकोच हो या आपके दिल में कुछ भी हो आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। जिसने भी मुझसे बात की पॉजिटिव बात की कि नहीं नहीं हमको लड़ना है, उसके बाद सडनली आप बोलते हो कि मुझे मीडिया से पता चलता है, मैं तो कल अजमेर शरीफ में था, मुझे पता चला मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा कि मुझे हटाया गया है। अभी तक मुझे कोई लेटर नहीं आया है, मुझे कोई फोन कॉल नहीं आया है, कोई मुझे झुटला के दिखाई है कि मुझे कोई भी ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं आया। ऐसा बिहेव करते हैं एक कार्यकर्ता के साथ कि आप मुझे एक ऑफिशियल इंटीमेशन भी नहीं दे सकते हैं। और अगर आप बात करें कि परिवार में कोई और पार्टी में है, मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे जो नेता है राजीव गांधी जी के भी भाई थे संजय गांधी जी। आज संजय गांधी जी का परिवार भारतीय जनता पार्टी में है, उनके बेटे वरुण गांधी, मेनका गांधी जी सब बीजेपी में है और हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कांग्रेस में है। तो क्या उनके परिवार बीजेपी में होने के वजह से तो राहुल गांधी जी को कांग्रेस में नहीं रखना चाहिए? आज अगर ये उनके साथ हो रहा है तो उनका भी परिवार बीजेपी में है, चलो उनका छोड़ दो। आप अगर बात करेंगे तो मुझे जो जानकारी है कि अब भी अगर हम बात करें तो अब भी कर्नाटका में बीएन बच्चे गौड़ा जी है जो एक कांग्रेस पे थे कभी, अभी बीजेपी के सांसद है, उनके बेटे शरद कुमार बच्चे गौड़ा कांग्रेस के एमएलए हैं। तो एक बच्चे गौड़ा जी जो है वो कांग्रेस के एमएलए हैं, उनके पिताजी बीजेपी के एमपी है। कर्नाटका में और एक बात है, और एक गौड़ा जी है जो उनका बेटा एमएलए है कांग्रेस का और उनके जो पिताजी है वो जेडीएस के एमएलए, सिटिंग एमएलए।
हमारे वरिष्ठ नेता ए के एंथनी जी वो CWC में है, उनके बेटे बीजेपी में है। एक मेरे मित्र है जो किसी भी के अगेंस्ट मुझे कुछ है नहीं, ये जो नाम मैं ले रहा हूं, एक मेरे मित्र है वैभव वालिया जी जो कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के हेड है पूरे कांग्रेस पार्टी के, उनके पिता बीजेपी के सीनियर लीडर है। तो मेरा क्या यही दोष है कि मेरा सरनेम वालिया या गौड़ा या एंथनी नहीं है और मैं एक सिद्दीकी हूं? क्या मुझे सिर्फ इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं? ये पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही उदाहरण नहीं है कि मेरे अगर पिताजी एनसीपी में जाए तो अलग अलग आइडेंटिटी होती है। मैं बोल बात करूं तो राहुल गांधी जी के खुद के परिवार वाले वरुण गांधी जी बीजेपी में, तो क्या उनको कांग्रेस में नहीं रहने का अधिकार है? क्या एक इंसान को अपने व्यक्तित्व तौर पे आप पर्सनल डिसीजन नहीं ले सकते हो? क्या बच्चे गौड़ा जी के जो पिताजी है वो लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वो बेटा कांग्रेस में है तो वो गौड़ा है, बच्चे गौड़ा जी है तो वो कर सकते हैं, और एक अगर मुस्लिम है तो वो नहीं कर सकते? 2019 की अगर मैं बात करूं तो हमारे को कहा गया था कि नहीं, मैं बांद्रे पूर्व से जब टिकट मांग रहा था, पिताजी तो हमेशा बांद्रे वेस्ट से इलेक्शन लड़ते थे, तब बोला गया था कि नहीं हम एक फैमिली में दो टिकट नहीं दे सकते। मगर आप देश में देख रहे हो कि एक नॉन मुस्लिम फैमिलीज में तो चार चार पांच पांच टिकट मिलती है एक फैमिली में। महाराष्ट्र की बात करो तो हमारे धीरज देशमुख जी, अमित देशमुख जी एक ही परिवार में, उनको टिकट मिल जाती थी। और राणे साहब हमारे पार्टी में थे तो बाप बेटे को भी टिकट मिलती थी, भाइयों को भी टिकट मिलती थी। तो क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्योंकि जब हम देखते तो नहीं, मेरे बहुत अजीज दोस्त है धीरज दादा, अमित दादा, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनको, राणे फैमिली से भी हमारे अच्छे ताल्लुक है सबसे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जो नियम और कायदे सबके लिए बनाए जाते हैं वो जब एक मुस्लिम आता है तो उसके लिए ही क्यों चेंज किए जाते हैं? मेरा यही क्वेश्चन है कि इसमें क्यों चेंज हुआ जाता है? अगर मैंने इसके पहले भी बात की कि हम अगर शिवसेना की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कभी भी शिवसेना से मैच नहीं होती है और ना भी की कभी होगी। हमने चुनाव लड़ा था शिवसेना के अगेंस्ट 2019 में, जिधर आप बैठे हो यही मतदार संघ में मैंने शिवसेना के सिटिंग मेयर को तभी हराया था। कांग्रेस पार्टी 2009, 14, 15 में ये सीट हारते आ रही है, मगर हमने हिम्मत की, हमने ये चुनाव लड़ा, हम जीते शिवसेना के सामने। उसके बाद कुछ वजहों से हमारा अलायंस शिवसेना के साथ हुआ, तो पब्लिक में तो हमें कुछ मुंह दिखाने के लिए बचा नहीं कि हम जिसके सामने लड़ रहे हैं उसके साथ जा रहे हैं, मगर ठीक है, पार्टी हाईकमांड ने डिसाइड किया तो हम वो भी चले गए। उसके बाद जो मेरे साथ अन्याय हुआ है 2.5 साल में, लोग अभी जो सोशल मीडिया पे है बहुत सारे लोग हैं ट्रोल कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि पहले क्यों नहीं बोला। आप मेरे सोशल मीडिया में जाओ, आप मीडिया में जाओ, हर वक्त जब मुझे मेरे साथ अन्याय हुआ था मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैंने तो नाम लेके कह रहा था, मैंने तो कहा था कि अनिल परब जी जो है वो मुझ पे अन्याय कर रहे हैं। जो आमदार की निधि मुझे मिलनी थी, यूडी के फंड जो हमें मिलने थे, महाविकास अघाड़ी के जो आमदारों को मिलना था वही फंड अनिल परब जी को जाते थे, तब मैंने हमारे जो तभी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है माननीय अजीत पवार दादा उनके पास में गया, तब की बात कर रहा हूं मैं। अजीत दादा ने बोला नहीं, हम वो जो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे उन्होंने फोन लगाया और बोला कि नहीं इसके साथ अन्याय हो रहा है। तब हमारे नेता कहाँ थे? क्या हम सरकार में नहीं थे? जब भी मैं हमारे सीनियर लीडर्स के पास जाता था तो ये यही कहते थे कि नहीं बेटा क्या है, आपकी जो सीट है उसमें मुख्यमंत्री जी की नजर है, थोड़ा सह लो, हम भी क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ उनका मंत्री पद बचाने के लिए आप अपने युवा आमदार को छोड़ दो? अगर सरकारी प्रोग्राम इधर होता था तो मुझे न्योता नहीं आता था। जब वैक्सीन्स का जो स्कैम हुआ था, जो फ्री में गवर्नमेंट को बांटना था, उधर ये लोग पैसे चार्ज कर रहे थे, तब भी मैंने बोला था कि अनिल परब जी गलत कर रहे हैं। जो कोविड में ये लोग ने एक जो ऐसी बीमारी में ये लोग ने जो स्कैम्स किए वो सब आ रहा है। ये जो उनकी सरकार गिरी है ये उनका कर्मा है शिवसेना का, जो उन्होंने मैं जानता हूं। आस्ते आस्ते सब खोलूंगा कि BKC कोविड सेंटर में जब हम लोग फ्री में लोगों को चीजें बांट रहे थे, वो 10 रुपए की चीज जो वो लोग 500 रुपए में बांट करे, उन लोगों की हाय लगी है और लोगों की हाय के वजह से ही इनका ये डाउनफॉल हुआ है और डाउनफॉल रहेगा। अरे सीधा मुंह किसी से बात करना नहीं आता है शिवसेना के लीडर्स को,
और जो मुझे अन्याय होता था मैं आप लोग के सामने बोलता था, अपने सोशल मीडिया पे बोलता था, तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं दिल्ली से मुझे फोन करते थे कि जीशान आप क्या कर रहे हो, आप क्यों शिवसेना के अगेंस्ट बात कर रहे हो। मैंने बोला सर मैं शिवसेना के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा हूं, जो परिस्थिति है वो मैं बता रहा हूं। महाराष्ट्र के कोई लीडर मेरे साथ खड़ा नहीं हो रहा है, एक कोई भी लीडर ने बोला नहीं कि भाई जीशान एक 26-27 साल का युवा आमदार है उसके लिए हम बात करें। नहीं बेटा सीएम साहब के अगेंस्ट हम क्या बोले। तो फिर आप अपना अलायंस बचाने के लिए अपने आप को खत्म करते जा रहे हो। आज अगर हम देखेंगे तो मिलिंद देवरा जी छोड़ के चले गए, अशोक चव्हाण जी छोड़ के गए, बाबा सिद्दीकी जी छोड़ के गए, और बहुत लोग हैं जो संपर्क में है, क्योंकि हम सफोकेट, ये लोग सब सफोकेट फील कर रहे हैं। और जो ट्रोल्स है जो अपना असली नाम भी कभी कभी नहीं लिखते हैं ट्विटर पे, अलग जगह जो अलग अलग लोग बोल रहे हैं, जैसे हमारे वहां राजस्थान में सचिन पायलट जी के ऊपर स्पेकुलेशन हुआ, तो ये यूथ कांग्रेस वालों ने अरे सचिन पायलट तो भगोड़ा है, चल निकल जा, आज अभी निकल जा, अशोक चव्हाण ने क्या किया है। अरे तुम अपने बिल्डिंग का चुनाव पहले जीतो और उसके बाद इन वरिष्ठ नेताओं के बारे में कुछ बात करो। कोई कोई यूथ कांग्रेस के लोग जो ऐसा गालियां देते हैं नेता पे, और फिर सचिन पायलट जी किधर नहीं गए, तो सचिन पायलट जी पे जो हमारे नेता एकदम रिस्पेक्टेड लीडर है सचिन पायलट जी को बोलने लगे नहीं चलो डर गया रह गया। अरे कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हो आप लोग, शर्म आनी चाहिए। और जितना कम्युनलिज्म यूथ कांग्रेस में उतना किसी में भी नहीं है, वो मैंने देखा है। मुझे जब अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा था, शिवसेना की बात करो तो कुछ भी जो काम करना था हम सरकार में रह के कर नहीं पाए। मैं अपने मतदार संघ की बात करूं तो इतना बड़ा इशू है लैंड का जो हमारे रेलवे के साथ चल रहा है, बहराम का इशू है, रेवेन्यू मिनिस्ट्री सालों से हमारे साथ है, मगर क्या हम कुछ कर पाए। मैं किस मुंह से अपने लोगों के पास जाऊं जब वो कहते हैं कि सरकार में आप बैठे हो, मिनिस्ट्री आपके साथ है, मगर उतना मुसलमानों के अगेंस्ट आपको क्या दिक्कत है। उसकी वजह से लोगों को घर नहीं मिल रहा, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मैं जब बात करता हूं मेरे मतदार संघ में बहराम है, हजारों लोग रहते हैं, 3 मंजिले तक वो इश्यू है, ये रेलवे ने गलत लैंड हड़पी है, जब हम सरकार में है मैंने विनतियां की है कि एक मीटिंग लगा लो, मगर एक मीटिंग नहीं लगाते थे हमारी सरकार। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। शिवालिक आए दिन धूम मचाता है, लोगों को डिमोलिश करता है, भारत नगर में डिमोलिशमेंट हो रहे हैं, लोग मुझे कहते हैं कि हमारा आमदार नहीं कर रहा है। मैं रोज सदन में आवाज उठाता हूं, मगर हमारे ही नेता कि उनके साथ कुछ मिली जुली सेटिंग है कि हम वो नहीं करने देते। महाराष्ट्र कांग्रेस के सारे नेता ने अपनी तिजोरियां भर दी है कि नहीं हमारी सेटिंग इसके साथ है उसके साथ है और इनकी मदद करनी नहीं है। तो जो नया आमदार है वो पब्लिक के लिए कैसे काम करे। आप बोलते हो कि आप सेक्युलर पार्टी हो, मुसलमानों को आप संभालते हो, जब हमने शिवसेना के साथ अलायंस किया, शिवसेना जैसी दोगली पार्टी तो मैंने आज तक देखी नहीं है। जब हम वज्रमूठ में एक स्टेज में बैठे हैं, मैं बैठा हूं, मेरे बाजू में असलम शेख जी बैठे हैं, उसके बाजू में अमीन पटेल जी बैठे हैं, उसके बाजू में बाबा सिद्दीकी जी बैठे हैं, उद्धव साहब आते हैं और बोलते हैं मेरे हिंदू भाइयों और बहनों बाबरी मस्जिद में तो हमने पहले हमला किया था, और कांग्रेस पार्टी जो इसका विरोध करती है हम उद्धव जी के साथ उस स्टेज पे बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए हमको। जब उनको मुस्लिम अपीजमेंट करना हो तो वो कहते हैं नहीं मुस्लिम तो मेरे ही है, ग्रांटेड के लिए ले लेते हैं कि नहीं अभी तो हम ही एक अल्टरनेटिव है उनके लिए, शिवसेना भी कहती है। मगर वही शिवसेना आप जाके सोशल मीडिया देख लो, आदित्य का देख लो या उद्धव साहब का देख लो, सब जगह वो कहते हैं, और संजय राउत जी का देख लो या किसी का भी देख लो, सब कहते हैं कि बाबरी अगर किसने गिराई तो वो पहला शिवसैनिक था। वीडियोस है संजय राउत जी का कहने के लिए कि आप FIR देख लो, सबसे पहले शिवसैनिक लोगों ने बाबरी में किया था। ये बात करने की शोभा है, और फिर आप बोलते हो कि मुसलमान आपको वोट डाले, और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी के साथ अलायंस में है, हम क्या जवाब दें लोगों को। मैं उस BKC के स्टेज में बैठा हूं, हम 4 मुस्लिम बैठे हैं और हमारे सामने कहा जा रहा है कि हमने बाबरी गिराया है और हम उनके साथ अलायंस में है। इतना हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, मेरा यही प्रश्न है कांग्रेस पार्टी को कि अगर आपको मुसलमानों से इतना प्रॉब्लम है तो उनकी सुरक्षा करने का ढोंग आप बंद कीजिए। अगर मैंने इतने उदाहरण जो दिए हैं सारे लोगों के बाप बेटा अलग अलग पार्टीज में है,
फिर भी जो नॉन मुस्लिम है उनको सर पे, मैं हम बोलते हैं कि हमारा हिंदुस्तान देश है, सब इक्वल होने चाहिए, मगर सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट आप कांग्रेस पार्टी क्यों कर रहे हो? फिर मत करो ना, फिर बोल दो ना कि हम भी, हमको भी प्रॉब्लम है। मुंबई कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बनता, मुंबई यूथ कांग्रेस का इलेक्शन जीत के आता है तो उसको हटाया जाता है। तो आप यही चीज वैभव वालिया जी के साथ नहीं कर सकते, गावड़ा जी के साथ नहीं कर सकते, क्यों डरते हो क्या आप कि मुसलमानों को तो कोई चॉइस ही नहीं है, बेचारे आपको ही वोट कर, क्या किया है आपने मुसलमानों को भाई, क्या किया है आपने मुसलमानों के लिए? आपने अलायंस में शिवसेना के साथ ऐसी अलायंस की है जो शिवसेना खुल्लम बोलती है कि नहीं हमने ये तोड़ा है हमने क्या। अरे जब मैं चुन के आया था पहले 2 महीने में अनिल परब आया था और हमारे वहां की कोलसे वाली गली की मस्जिद को तोड़ने के लिए उसने बोला था, तब मैं गया था म्यूनिसिपल कमिश्नर परदेसी जी के पास और मैंने कहा था मेरे मतदार संघ में ना कोई मस्जिद का कभी कुछ होगा, ना कभी मंदिर के अगेंस्ट कुछ होगा, ना चर्च के अगेंस्ट होगा, ना गुरुद्वारे के अगेंस्ट होगा, कोई भी रिलीजियस चीज के अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले लेटा हुआ आपको जीशान सिद्दीकी उधर मिलेगा। और ये अनिल परब जी पहले मस्जिद तोड़ने का काम कर रहे थे मेरे मतदार संघ में और बोलते कि मुस्लिम लोग इनको वोट डालेंगे, शर्म आनी चाहिए उनको। मेरे साथ जो भारत जोड़ो यात्रा में हुआ है, राहुल गांधी जी चलो अच्छे नेता है वो अपना काम करें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी मेरे पिता समान है, मगर कभी कभी क्या है कि खड़गे जी इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कभी कभी कुछ चीजें नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो टीम है उनके बाजू में वो तो जितना पार्टी को खत्म करते जा रही है उन्होंने तो लगता है सामने वाली पार्टी से सुपारी ले ली है कि हम खत्म कर देंगे पार्टी को। हम जब चलने की कोशिश करें तो उनके जो आसपास के इर्द गिर्द के लोग हैं कैसा बात करते हैं। मुझे तो भारत जोड़ो यात्रा में मैं जब नांदेड़ में चल रहा था तो मुझे हकारा गया, मुझे एक उनके क्लोज व्यक्ति ने तो ये कहा है कि अरे पहले चल 10 किलो कम कर फिर जगह राहुल जी से मिला। अरे मैं तुम्हारा विधायक हूँ, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, तुम किसी को बॉडी शेम कर रहे हो, मैं फिर भी चल रहा हूँ ना और तुम्हारा खाता हूँ क्या मैं? राहुल जी की जो टीम है वो इतने करप्ट है, जो उनकी टीम है, राहुल जी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं मगर वो नहीं समझ पा रहे कि इनके जो लोग हैं वो इतने रूड है, इतने है। मैं गोवा में जाऊं, बिहार में जाऊं प्रचार करने के लिए, उधर मेरे से मेरे साथ लोगों को जो जो वक्त आने पे सब लोग बताएंगे मैं क्या हूं, मैं जो है मुंह पे मैं बोलता हूं, मगर उनकी जो टीम है आज पार्टी को डिस्ट्रॉय कर रही है। और हमारा जो ये अलायंस है, हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो किया है वो अपने अलायंस को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी खत्म करते जा रही है। मैंने सुना है कि हमारी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा ने भी कहा कि जीशान मेरा फोन नहीं उठाता है, मीटिंग पे नहीं आता है, मैं बीमारी में बुखार में विधान भवन गया था जैसे स्पेकुलेशन नहीं हो और मैं पार्टी मीटिंग अटेंड की थी, और वो अगर ऐसा कह दिए वर्षा ताई तो उनको अपने असेंबली में देखना चाहिए कि उनके ज्वाइन करने के बाद उनके 4 कॉरपोरेटर शिंदे सेना में चले गए, तो पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभालेंगे फिर अगर लोगों को नसीहत देंगे तो मुझे लगता है बेहतर होगा, क्योंकि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी खत्म होते जा रही है। बड़े दुख के साथ ये देखना जा रहा है, पिछले हफ्ते तक तो मैं हमेशा यही कहता था कि मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा, पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का बर्ताव है और अगर जिस तरीके से ये चीज चल रही है तो राइटिंग ऑन द वॉल क्लियर है कि उनको माइनॉरिटीज की हमारी जरूरत नहीं है, तो फिर हमको भी हमारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कभी काफी लोगों ने आप लोगों ने मुझे पूछा कि क्या रीजंस है आपको मुंबई यूथ कांग्रेस का पद से निकालने के लिए, तो इसीलिए मैं सोचा आप सबको एक साथ बुला के ये सब बोलूं कि मुझे खुद को रीजन नहीं पता क्योंकि डायलॉग हुआ नहीं है, कोई सीनियर लीडर का फोन आया नहीं है, और अगर ये बोलते हैं कि बाप बेटे का ये है तो मैंने आपको 4-5 उदाहरण दे दिए, मैं रात भर रुका। माधवराव सिंधिया जी की माँ बीजेपी में थी, माधवराव सिंधिया खुद कांग्रेस के सांसद थे, तो बहुत सारे ऐसे है, दिग्विजय सिंह जी के भाई भारतीय जनता पार्टी में लक्ष्मण सिंह जी है, तो करना है तो फिर उनको कहना ना, सिर्फ हमारी ये गलती कि हम सिद्दीकी है, हम सिंह नहीं है, हम वालिया नहीं है, हम गौड़ा नहीं है, हम एंथनी नहीं है, तो अभी है ना कांग्रेस में है कांग्रेस की, आप कह रहे हो कि कांग्रेस मतलब मुसलमानों की है नहीं, कांग्रेस मुसलमानों की तरफ मतलब बात नहीं कर रही, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार में मुसलमानों की वृद्धि हो रही है? क्योंकि आप तो अभी गए अजीत पवार के साथ बैठे, आप अभी कांग्रेस में हैं जिशान, आपने कहा कि हमें ऑप्शन खोजने पड़ेंगे अगर मुसलमानों की कदर नहीं की जाएगी, तो क्या जिशान सिद्दीकी ऑप्शन खोज रहे हैं और कौन सा ऑप्शन खोज रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि यही प्रश्न अगर आप मुझे एक हफ्ते पहले पूछते तो मेरा जवाब कायम था कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा, बट दुर्भाग्यपूर्ण ये है
कि मैं अभी वो जवाब नहीं दे सकता कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा, मैं भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने मतदाताओं के साथ बात करूंगा, पब्लिक मीटिंग्स दूंगा और उसके बाद अपने ऑप्शंस जरूर खोजूंगा, क्योंकि हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी में हमारी वैल्यू नहीं है। जब मैं हम की बात करता हूं तो मैं सिर्फ मेरी बात नहीं करता हूं, मैं माइनॉरिटीज की बात करता हूं। और जो ये ढोंग ये कांग्रेस पार्टी रच रही है कि हम माइनॉरिटीज के अन्नदाता है, हम सब कुछ है, वो उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में माइनॉरिटीज को जितना अन्याय, जैसे मुझे करना पड़ा पोस्ट के मामले में, यूथ कांग्रेस के मामले में मोहम्मद को करना पड़ा, वैसे जैसे हमको करना पड़ा, वहां वो जो ढोंग है उनको वो बंद कर देना चाहिए। तो क्या आप आपके कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके, चर्चा करके आगे अपना डिसीजन लेंगे, किस प्रकार का डिसीजन होगा? आपने कहा कि ऑप्शन खोजेंगे। ऑप्शन मैं जरूर खोजूंगा, क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह हमारे साथ बर्ताव किया है, साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हमारी जरूरत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को ये सीखना है कि वो माइनॉरिटीज को बार बार उनपे ग्रांटेड नहीं ले सकते। उनको आपको उनसे प्रॉब्लम भी है, मगर उनकी वोट भी चाहिए। आप कांग्रेस में नहीं रहेंगे, कोई पार्टी के लिए बंद नहीं बनाया। मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात करके उनसे डिसीजन लूंगा, और फिर मैंने जैसे कहा मेरे ऑप्शंस खुले हैं, मैं फिर उनसे बात करके ये समय में फैसला लूंगा। मैंने जैसा कहा कि कांग्रेस पार्टी को हमारी जरूरत नहीं है, तो फिर कांग्रेस पार्टी में रह के क्या फायदा? नहीं, पॉपुलर मेरे ऑप्शंस खुले हैं। और पहले जी, अभी फिलहाल युति और आघाड़ी दोनों अगर देखें तो दोनों में ऐसी पार्टियां हैं जो कहती है कि बाबरी मस्जिद हमी ने गिराई, तो ऐसे में क्या दोनों ऑप्शंस आपके लिए बंद है? आप तीसरा ही ऑप्शन चूज करेंगे? नहीं, देखिए इस राज्य में काफी ऐसी भी पार्टीज है जो सेक्युलर है और डेवलपमेंट के लिए बात करती है। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अजीत दादा एक सेक्युलर व्यक्ति है और हमेशा उन्होंने डेवलपमेंट की बात की है। तो ऐसी बहुत सारे पार्टीज है जो सेक्युलरिज्म में बिलीव करती है। जितना फंड मौलाना आजाद के लिए एनसीपी ने दिया है, उतना तो कभी कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं दिया। मतलब आपका एनसीपी में जाना फिक्स है? मैंने कहा मेरे ऑप्शन ओपन है, मैं कार्यकर्ताओं मतदाताओं से बात कर रहा हूं। जीशान सिद्दीकी जी, ऐसा लगता है कि आप बाबा सिद्दीकी जी के अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलेंगे। अगर मुझे ये फैसला तब लेना था तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सब पहले भी कर सकता था। हटाया उन्होंने मुझे, मैंने आपसे जब बात की, जब मेरे पिताजी एनसीपी गए, बाबा सिद्दीकी जी जब एनसीपी भी गए, तब भी आपने मुझे ये प्रश्न पूछे थे, तब मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरे ऑप्शंस ओपन है कि अलग पार्टी के ये है। हम गम खा रहे थे, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो हम गम खा रहे थे, मगर उसके बाद अगर हमारे को पद से इस तरीके से हटाया जाता है, कोई ऑफिशियल इंटीमेशन भी नहीं करता है, और ये दिखलाता है कि उनको कितना माइनॉरिटीज से परहेज है। ये यही चीज अगर कोई और करता तो उसके साथ नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि कर्नाटका में दो दो गौड़ा जी है, बच्चे गौड़ा और गौड़ा वैभव वालिया है, दिग्विजय सिंह जी है, तो आपने उनको क्यों नहीं निकाला? एक सिद्दीकी के पिताजी जाते हैं तो जो पिताजी करता है वो बेटा करता है, मगर एक वालिया का या सिंह का या एंथनी का या गौड़ा का करता है तो वो ठीक है, बाप अलग है बेटा है, मगर एक मुस्लिम सिद्दीकी हो तो नहीं, बाप और बेटा एक ही करना चाहिए। ये कहां से लॉजिक है? आप विधानसभा के मेंबर हो तो वो मैंने इस्तीफा की तैयारी मैंने नहीं किया। मैंने बोल रहा हूँ, एक मिनट मुझे आंसर करने दीजिए। जैसे मैंने कहा है कि मैं अपने मतदाताओं से बात करूंगा, आखिर में उनका भरोसा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी में रहकर जब हमारी सरकार भी थी तो मैंने जब बहराम की बात की, मैंने गोलीबार की बात की, मैंने डिफेंस लाइन की बात की, मैंने तीन बंगले की बात की, मैंने फाटक की बात की, सब चीजें हमारी सरकार में, अगर हमारी सरकार को करना था तो वो कर देती, मगर कहीं ना कहीं हमारे सरकार को भी नहीं करना था, उसमें शिवसेना के अलायंस भी हो और महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी हो, उनको नहीं करना था। तो
तो ये उनको पता चलना चाहिए कि उनका विधायक, उनका एमएलए, उनका आमदार अगर विधानसभा में ये चीज उठा रहा है और हमारे मिनिस्टर होने के बावजूद अगर काम नहीं हो रहे हैं, बहराम में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, किधर रीसिटी सर्वे नहीं हो रहा है, तो ये कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके लीडरशिप को परे से तो क्या आप एमएलए हो तब तक ये कांग्रेस में रहोगे या एमएलए इसका टर्म से आपका खत्म हो जाएगा, आप किसी और पार्टी को? जैसे मैंने कहा कल मुझे ये न्यूज मिली, मैं अजमेर शरीफ पे था, आज मैं आया हूँ, अगले हफ्ते दो हफ्ते में मैं पूरे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के दौरे लूंगा, मतदाताओं से बात करूंगा, उनसे राय लूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए और उसके बाद मेरे ऑप्शंस ओपन है, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किधर जाना है। राज्यात नेते नवर है तो कांग्रेस से दिल्ली के नेते नवर एक तो चेहरे आपको बताने हैं कि कौन से वो चेहरे हैं। मुझे नाराजगी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हमें नाराजगी जो है, मुझे जो दुख है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति अगर काम नहीं करता है तो हमेशा उसके ऊपर एक और एक व्यक्ति होता है जो बोल सकता है कि नहीं आपको करना है। ऐसा तो नहीं है कि पहले तो हम मुंबई के लीडरशिप के पास गए, उधर नहीं हुआ तो हम महाराष्ट्र के लीडरशिप के पास गए, महाराष्ट्र लीडरशिप के पास कुछ नहीं हुआ तो हम दिल्ली जाते हैं, अभी दिल्ली से ज्यादा तो इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई किधर हम जा नहीं सकते, तो हम दिल्ली तक भी गए, मगर कहीं ना कहीं हमें लगा कि कोई भी हमें सुनने के लिए तैयार नहीं था। जो अन्याय हो रहा है, कोई कोई लोग जो नहीं समझते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं, जो अटल रहे हैं, वो बोलते हैं कि मैंने कुछ बोला ही नहीं, मगर आप सबके बीच में है, मैं 2019 से जब जब मेरे पे अन्याय हो रहा था मैं खुला बोलता था और तब भी दिल्ली की टॉप लीडरशिप मुझे फोन करती थी कि नहीं वी आर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द बंगलोर, हम लोग को बंगले से फोन आ रहा है कि आप ये कर रहे हो, तो आपको फिर बंगला संभालना है या आपको अपना युवा आमदार संभालना है? मैं गलत क्या कह रहा था? मैं तो यही कह रहा था कि जब गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जब वैक्सीन गवर्नमेंट दे रही है तो शिवसेना ही क्रेडिट ले रही है उसका, वैक्सीन का स्कैम हो रहा है, जो चीज फ्री में देनी चाहिए थी अगर उसको पैसे से बेचा जाए तो एक आमदार होने के नाते मैं बोलूंगा नहीं। ये जो अलायंस टूटी उसकी हाई लगी है, जो ये लोग ने गरीबों के साथ कोविड में किया उसकी है हाई की वजह से उनका अलायंस टूटा है, तो हम नहीं कहेंगे? हम तो दिल्ली में कहते थे कि ये मिनिस्टर्स ये कर रहे, घोटाले हो रहे, तो कहते नहीं नहीं सरकार है तो क्या कर सकते, तो अभी सरकार है तो अगर आपको अपनी सरकार बचाने के लिए अपनी पार्टी खत्म करनी है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये होता जा रहा है। मैंने यही कहा कि मैं और मेरा परिवार एक सेक्युलरिज्म में हमेशा बिलीव करते हैं और हम हमेशा सेक्युलरिज्म के साथ रहते हैं, मगर फेक सेक्युलरिज्म और भी डेंजरस है जो कांग्रेस पार्टी में है। वो कहते हैं कि नहीं हम सेक्युलर है, हम ये है, तो हम जो माइनॉरिटीज है हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है और कांग्रेस पार्टी में ही क्यों हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, देख लो ना मुंबई कांग्रेस का कौन प्रेसिडेंट बना है आज तक मुस्लिम, और जब रेस में भी आते हैं तो आप आम कार्यकर्ता से पूछ लो, बोलेंगे अरे नसीम भाई बन सकते हैं, अरे मगर वो तो मुस्लिम है ना, तो क्या मुस्लिम होना हमारे लिए गुनाह है? और अगर है गुनाह तो कह दो ना। मेरे साथ भी यही हुआ, मोहम्मद ललपड़ के साथ भी हुआ कि एक साल उनको बनाया नहीं गया, तो क्यों हमारे में कॉमन तो यही है कि हमारे सब मुस्लिम है। तो आपको लगता है कि अजीत पवार की जो पार्टी है, जो गुट है, उसमें मुस्लिमों को अच्छा स्थान दिया जाएगा इसके बावजूद कि वो भाजपा के और शिंदे गुट के? अजीत दादा की जो अजीत दादा खुद जो है प्रफुल्ल पटेल जी है, मैं बहुत हमारे उनके पारिवारिक संबंध है और वो सेक्युलर लोग है और हमेशा उन्होंने भी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है और वो ओपनली कहते हैं। आए दिन भी उनका एक मैंने देखा था कि एक सभा ली थी उनकी टीवी पे, तो जैसा वो खुल के बोलते हैं वो करते भी है। उनका क्या मोटिव होगा जब 2019 में मैं उधर गया, मैं बोला अजीत दादा मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, मेरे को फंड नहीं मिल रहे, तो उन्होंने तो ये नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, उन्होंने देखा कि महाविकास आघाड़ी आमदार के साथ गलत हो रहा है और तब फोन उठा के उन्होंने किया। ये चीज जो अजीत दादा ने की, अगर महाराष्ट्र कांग्रेस का कोई लीडर करता तो हम तो उनके फैन हो जाते, हम तो किधर जाने की जरूरत ही नहीं होती किसी और लीडर के पास। हम क्या चाहते हैं कि हम आमदार है, आप हमारे लिए खड़े हो, हमारी कम्युनिटी के लिए खड़े हो, हमारे लोगों के लिए खड़े हो,
इश्यूज जो रिलेटेड है वो सिर्फ रिलीजन के नहीं होते हैं। अगर डेवलपमेंट की बात करो तो जो इश्यू बहराम में हो रहा है वही चीज पूरे बापूजी स्टॉल रोड के लोगों के साथ हो रहा है। मगर मैं बार बार बोला रेवेन्यू को कि हमको एक मीटिंग लेनी है, एक मीटिंग नहीं होती थी हमारी, ढाई साल में मीटिंग नहीं हो सकती है। जब हम PWD में गवर्नमेंट कॉलोनी के लोगों के बारे में बात करते थे तो हमें कहा जाता था अरे ईशान मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्या करे। अरे हमारी जो प्रशासन है BMC और BMC को कहा जाता था कि कांग्रेस के MLA ने अगर बुलाया तो आपको मीटिंग पे भी नहीं जाना चाहिए, तो मैं काम कैसे करूं लोगों के लिए? ईशान आपके जैसे और कितने विधायक हैं कांग्रेस में? ईशान यू सेइंग द माइनॉरिटीज आर फेसिंग एट्रोसिटीज इन अनजस्ट अनजस्ट इनजस्टिस इज डन टू देम, सो डू यू थिंक देयर इज अ स्कोप ऑफ चेंज इन कांग्रेस और हैव यू मेड अप योर माइंड टू स्विच द पार्टी? आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू गाइस द फसाद ऑफ सेक्युलरिज्म व्हिच द कांग्रेस हैज पुट। There is a Congress party and they have put a facade of fake secularism and the hypocrisy which goes on when they talk about secularism and equality, that is not there within the party. That is not there within the Indian Youth Congress. That is not there within the Indian National Congress. And it is unfortunate because at one time Congress was always known to be secular. And today, by the day, every Muslim leader or every, forget Muslim leader, every leader who believes in the idea of a secular country, who believes in the fabric of secularism in the country, is not happy because there is more communalism in Congress than anywhere else. See, if the BJP is doing it, they're doing it openly. But more dangerous is in Congress is that they're doing it hidden and the hypocrisy is known to everyone who's a part of the Indian National Congress. But since you haven't quit the party, do you see a scope of change? See, as I've always been a part of Congress since I was a little child, I would hope that there is change. But the way things are going and the way some our top leaders are misguided, it is very difficult. And the way some people be social media trolls and all of that, as soon as they hear about a leader going, like said Sachin Pilot ji, Ashok Chavan ji, who have given their lives, they are top leaders. As soon as a little news comes that he might go, अरे ये भगोड़ा है, ये चले गया. There was a news about Aslam bhai going or anybody, Amin bhai going. अरे they have given their life to the Congress party. You have just come and you are not even, you don't even have the guts to put your face as the profile picture on Twitter. They are putting something else on profile on their profile picture and they will start abusing. So it's, the whole thing has become very messy. The whole it's very unfortunate the way things are going. And as a secular man, as a man who believes that all religions, all castes, creeds, everyone is same in India, it's very sad when this is happening. I feel very hurt more than anything. पार्टी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है? देखिए अभी मुझे, मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैंने कुछ किया भी नहीं, मुझे पद से हटाया गया, अभी और क्या ही करेंगे। मैंने आपकी मिताली के साथ बातचीत हुई, उन्होंने कुछ सलाह दी आपको? नहीं देखिए, मैंने जैसे कहा कि हम पूरा दिन सुबह से लेकर रात लोगों की सेवा करते हैं पब्लिक लाइफ में, तो ज्यादा हम पॉलिटिक्स में। अच्छा, कब तक डिसाइड करेंगे? जैसे मैंने कहा, हम अभी हमारे जो दौरे हैं वो चालू करेंगे मतदाताओं के साथ, उनसे बातचीत करके हम जल्द डिसाइड करेंगे। जल्द से मतलब कितना टाइम है? बोला हूँ जैसे जिस दिन उधम जी ने ये कहा था उस दिन हम हमारे सीनियर लीडर्स को कहे थे, जब हम दिल्ली जाते थे, जब हम मैंने राहुल जी से बात की थी भारत जोड़ो यात्रा में भी, कि सर हम कैसे बिहेव कर सकते हैं, हम आप बोलते हो कि हम सेक्युलर पार्टी है, आए दिन शिवसेना ये बोलती है कि हमने बाबरी तोड़ा। अरे ठीक है, वो सब वो भी और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आके मस्जिद तोड़ते हैं। अरे मस्जिद क्या मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, आप किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते हो। कोई भी पार्टी हो, किसी के भी धार्मिक सेंटिमेंट्स को आप हर्ट नहीं कर सकते हो। और ये शिवसेना का दोगलापन है, जब उनको मुस्लिम को अपीजमेंट करना है तो वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे मुस्लिम लोग तो मेरे साथ ही है, क्योंकि उनको कोई ऑप्शन नहीं है किधर जाने का। और जब उनको नॉन मुस्लिम जो करना है तो वो बोलते हैं कि नहीं हमने बाबरी तोड़ा है। तो ये जो उनका दोगलापन है, अरे आप एक स्टैंड ले लो ना भाई, आपको क्या करना है, आप सुबह में कुछ रात में कुछ और रहोगे तो आपके जैसे और नाराज है, कितने लोग नाराज हैं? पहले जब मिलिंद जी गए थे तब लोगों ने कहा था कि नहीं नहीं देखो मिलिंद जी अकेले गए,
और लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं की उस चीज की। थोड़ा अगर साइलेंस कर देंगे तो बेहतर। जब मिलिंद जी गए पार्टी छोड़ के तो उन्होंने कहा देख मिलिंद जी अकेले गए। मिलिंद जी बहुत बड़े नेता है, थे और है, उनके पिताजी मुरली देवरा जी ने भी कांग्रेस में इतना समय दिया, मगर तब लोगों ने कहा कि और कोई नहीं छोड़ के जाएगा। फिर बाबा सिद्दीकी जी गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं और कोई नहीं जाएगा, फिर अशोक चौहान जी चले गए। तो हर चीज में हमारे लीडर तो यही बोलते हैं अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उनकी तो पहली बात चल रही है सबसे। तो मैं देखो हमारे संबंध सबके साथ है तो मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सब बात कर रहे हैं क्योंकि कोई खुश नहीं है। जो खुश था उसने अपनी जिंदगी बना ली और वो शायद से रिटायरमेंट ले रहे हैं, मगर जो हम यंग लोग हैं हमको काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। हम तो काम करने आए, अभी हमारी उम्र क्या है, हम तो काम करने के लिए आए। और हमारी सरकार रहने के बाद अगर हम आम जनता का काम नहीं कर सकते जो मेन मुद्दे है, तो क्या फानत है, लानत है हमारे पे और हमारी सरकार पे। ढाई साल तो हमारी सरकार थी ना, ढाई साल में मैंने सारी चीजें बोली। अगर मैं बैराम की बात कर लूं, मैं गोलीबार शिवालिक की बात कर लूं, जिसमें सब लोग हैं, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई हमारे सब भाई जो है, हमारे दलित भाई है, हमारे सब भाई है, जो भाई बहन है, सबके पास जो प्रॉब्लम था कुछ तो सॉल्व नहीं कर पा रहे। अगर कांग्रेस पार्टी ने अपनी ये जो काम करने का ढंग है वो चेंज नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी खत्म होने के कागार में है। और वो जो रूज में है कि नहीं हमारे कुछ बिगड़ नहीं सकता है, ये चले जाए वो चले जाए, तो कहते हैं कि तकब्बुर तो फिरौन का नहीं हुआ, हमारे घर से ही है। तो जिस चीज में वो जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे जाती है, तो ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है और ओवर कॉन्फिडेंस किसी को कभी भला नहीं किया। मैं हमेशा से कहता हूँ मैं और मेरी फैमिली एक सेक्युलर फैमिली है, हम कभी नहीं देखते कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, एक आपसी में रहते हैं। मगर अगर ये चीजें गलत हमारी पार्टी में हो रहा है तो आप अपना ढोम बन लीजिए, इससे ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। जिशान, वन आफ्टर द अदर लीडर्स आर लीविंग एज यू पॉइंटेड आउट एंड देयर इज आल्सो डिस्कशन गोइंग ऑन ओवर सीट शेयर। मिलिंद देवरा हैज लेफ्ट, ही वाज आस्क्ड, ही आस्क्ड फॉर द साउथ मुंबई सीट। नाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट वी कैन सी in Sena versus Congress when it comes to Mumbai West seat. Right. And again, Nirupam has pointed out these things, but the leadership is not mistaken. I tell you one thing, Sanjay Nirupam ji is also a very big leader of the Mumbai Congress. Milind Deora ji is also a very big asset to Congress. Both of them, all they said was that seat sharing is still going on and we will try that. South Mumbai has always been a traditional seat for Congress. North West Mumbai, South Central, all have been good Congress seats. So we said that we will talk to allies and then we will come to a conclusion. In response to that, Mr. Sanjay Rao gave a very radical statement that ये गली गांव के जो नेता है उनसे कुछ नहीं होता है, रिफरिंग टू संजय निरुपम जी एंड मिलिंद देवरा जी, और हम तो डायरेक्ट दिल्ली से बात करते हैं और दिल्ली फैसला लेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस शून्य है और शून्य से शुरुआत की थी। दिस वॉज अ स्टेटमेंट मेड बाय द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ शिवसेना। सो इफ आर अलायंस थिंक्स दैट वी हैव जीरो परसेंटेज ऑफ जीरो इन महाराष्ट्र एंड दे कॉल आवर सीनियर लीडर्स गली और गांव के नेता, देन एंड इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ that before this I had always said that I'll stay with the Congress party. After that also Mr. Rao said that अरे Bandra is तो Shiv Sena की सीट है. Did any congressman take objection to that statement? I said that I will stay in Congress, I will stay loyal to the Congress family. But when Shiv Sena said that this seat in which you have a sitting MLA of Congress party, that will go to Shiv Sena, did anyone in Congress party have a spine to speak for me? They expect us to stand for them 24 hours and we will. But how do they expect us to do that when they do not have the spine to stand for us when your alliance is talking against your own MLA? Who do we go to?